अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एक नए ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और खुश होंगे। दोस्तों अभी मैं जो ना अपने कबूतरों के केज के अंदर ना वो कारपेट बिछाया था ग्रीन कलर का, तो मैंने देखा कि हमारा ये वाला जो प्यार है ना, इसने देखे माशाल्लाह से दोबारा से दो अंडे दे दिए हैं। तो मैंने जल्दी से जो है अपनी जो प्याली थी उस प्याली के अंदर घास लगा दी है और इसमें अंडे करके और इनके कारपेट बिछा के इसमें रख देता हूँ। माशाल्लाह से इसने जो है तीसरी बार बल्कि चौथी बार अंडे दिए हैं इसने माशाल्लाह से। पहली बार तो एक्सपायर हो गए थे अंडे और बाकी दो बार जो है वो बेबीज माशाल्लाह से इन्होंने निकाले उसमें से, और बड़े भी हो गए। दो बाहर फिर रहे हैं हमारे इधर और दो अभी भी इसके अंदर हैं और बाकी अभी दो अंडे इन्होंने दोबारा दिए हैं। तो सबसे पहले ना हम इनके अंडे निकाल के ना इसके अंदर रख लेते हैं ताकि जो है ना फिर अंडे टूटे ना। ये अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, आप कहाँ बाहर आ रहे हो? ये देखो बेबी को बाहर आने के चक्कर में लगा हुआ है। एक अंडा ये है और एक अंडा ये है दूसरा। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों अब कुछ टाइम रह गया बस, जब तक माँ जो है इन अंडों पर बैठेगी और जैसे ही इनमें से बच्चे निकलेंगे ना, तो तब तक ये वाले बच्चे हमें बाहर निकालने पड़ेंगे क्योंकि फिर नए बच्चे आने के बाद वो पुराने वाले बच्चों को मारती हैं। फिर आप अंदर जाओ, अभी बाहर नहीं आओ, आप छोटे हो अभी। चलो शाबाश, अंदर रहो। ये देखें दोस्तों, मैंने इस वाले केज में जो है ना कारपेट बिछा दिया है और देखें कितना अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा कारपेट बिछा हुआ। और अब जो है ना इसकी अंडे की जो प्याली है ना वो हम वापस इसके अंदर रख देते हैं ताकि जो माँ है ना वो कंफर्ट होकर इसके अंदर बैठ सके। ये बाकी जो एक्स्ट्रा घास वगैरह है ना वो खुद ही सेट कर लेगी इसके अंदर। चलो तुम अपने अंडों पे बैठो, अब तुम लोगों को दाना वगैरह देता हूँ मैं अभी, सही है? दोस्तों ये देखें, तीन चार दिन बाद फिर दोबारा मैंने पॉट में पानी डाला है ना, तो सीगल जो है खाने को छोड़ के सारे खाने में मसरूफ़ है, लेकिन ये नहाने में मसरूफ़ है। इसको पानी का मौका मिल गया आज, ये भी नहाएगी अच्छी तरह, फिर नहा के फिर जाएगी खाना खाने। दोस्तों अभी हम जो है ना अपनी ब्लैक डायमंड और उसके जो बच्चे हैं उनको खाना डालते हैं। अंदर 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 अंदर, मेरे को क्यों मार रही हो? खाना देने आया हो तुम्हारे को, तुम मेरे को मार रही हो? पीछे हटो पीछे हटो, मुझे नहीं मारो यार, मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम उल्टा मुझे को मार रही हो। ये देखो कितना सारा खाना लाया हूँ, खाना खाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वाला जो बच्चा है इसके पर थोड़े बड़े भी हो गए। अरे यार मारो नहीं यार, खाना खाओ तुम। मानो मैं तुम मम्मा बन गई हो, मम्मा बनने का मतलब ये थोड़ी होता कि सबको काटो, सबको तुम काटने लग गई हो। बाकी अंडे कैसे हैं तुम्हारे? बाकी अंडे सब जाया होगा दोस्तों, बल्कि घास के नीचे सारे इसने दबा दिए ऑलमोस्ट, बट वो खैर बेकार है। इसको हम जो है ना ब्लैक डायमंड को और इसके बच्चों के साथ हम इसलिए बाहर नहीं निकाल रहे दोस्तों, क्योंकि बाहर निकाला ना तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ना शिकारी, ये सब इसको नुकसान पहुँचाएंगे। तो थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं फिर हम बाहर निकालेंगे इनको मास्टर केज के अंदर। ये देखें यहाँ पे ये लगी हुई है, जैसे इनका झगड़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, कितना टाइम हो गया। इसको बाहर निकाला, ये फिर अपने हस्बैंड के साथ लड़ रही है। ये आ गई इधर, ये इसको भगा रही है। चलो भागो, लड़ाई नहीं करो ना, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। ये उस वाली कहावत पे काम कर रही है। शिप्पू एक तो तुम बहुत तंग करते हो यार, और तुम्हारी वजह से ना मेरी बहुत डांट पिटी है, पता है तुमने जब से आयरा को टक्कर मारी है। दोस्तों मैं आपको ना दो दो शिकारी दिखाता हूँ। मैं इधर जो है ना कबूतरों को और ब्लैक डायमंड को दाना डालना था, पीछे से दो शिकारियों ने जो है ना हमारे खाने वाले केज पे हमला कर दिया। अभी आप देखिएगा वो दो शिकारी कौन से हैं। ये देखें ये बैठे हुए अंदर पिंजरे में घुसे हुए, ये देखें, और ये खाने वाले सीधा बोरियों पर इन्होंने हमला किया है। और इनके साथ इनकी दोस्त मैना भी है अंदर, तोता मैना की जोड़ी, इन्होंने जो है खानों पे हमला किया हुआ है। ये देखें कितने मज़े से बैठे हुए ये दोनों। तुम लोगों को बाहर खाना डाला हुआ है, तुम लोग फिर अंदर आके क्यों खाना खा रहे हो? हैं शरारती हो? अभी भी बुलबुल अंदर है, बुलबुल मैना तोता सब ने हमला किया हुआ है, वो तो अंदर ही चली गई। भाई तुम कहाँ जाना चाह रही हो? हैं तुम्हें डर नहीं लग रहा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ फिर भी तुम लोग आ रही हो? दोस्तों मैंने भी आपको जो है ना दो शिकारी दिखाए थे जिसके साथ वो मैना भी थी और बुलबुल भी थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी शहजादी, और देखें जो है शहजादी की काम कि मैंने नीचे कितना सारा दाना डाला हुआ है, सारे दाने खा रहे हैं इधर, लेकिन वो यहाँ पर नहीं खा रही। वो शहजादी उड़ के ना जंप मार के इधर आ गई, ये देखें, और इधर बड़े मज़े से शहजादी जो है ना दाना खा रही है। इधर मैंने डाला था जबकि ऊपर परिंदों के लिए यानी कि तोतों के लिए, मैना और बुलबुल वगैरह के लिए, और ये यहाँ पे जो है बड़े मज़े से सारा दाना वगैरह खा रही है। आ जाओ शहजादी, खाओ तुम, बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने ऊपर जाके सेफ साइड जो है ना जाके खाना खा रही हो, बहुत होशियार हो तुम। हाँ भाई चिंकी, क्या मामला है तुम्हारा? हैं क्यों इतना तुम शोर मचा रही हो? तुम्हारे से जो है ना सब डरने लगे, तुम्हें पता है तुमने जो हरकत की थी दो दिन पहले। ये लो आ जाओ केला खा लो, केला खाना है? केला खाना है? नहीं दूंगा मैं तुम्हें केला, नहीं दूंगा। पहले बोलो प्लीज़, सॉरी बोलो, सॉरी सॉरी बोलो उस दिन के लिए, बोलो सॉरी
फिर तुम्हें देखूंगा मैं अकेला। ये लो अब फौरन ऊपर भागेगी, भाग जाओ ऊपर, चलो दरख्त पे चढ़ के खाओ तुम। दोस्तों अभी चिंकी को मैंने आपके सामने केला दिया था, लेकिन अभी इसकी चीखें और इसका जो है ना शराब से देखें जैसे इसको सुबह से खाना ही नहीं मिला हो। ये देखें इसको, क्या हुआ है तुम्हें, हैं तुमने खाना नहीं खाया अभी? तुम्हें केला दिया ना मैंने, नाराज होकर बढ़ गई, इतने वजह से वो दम करके बढ़ गई है। चलो आ जाओ एक और केला खा लो, ये लो एक और केला, ये लो। पहले तुम सॉरी तो बोलो, तुमने सॉरी नहीं बोला यार अभी तक, सॉरी बोलो पहले एक दफ़ा, सॉरी बोल दो कि फिर मैं दे दूँगा तुम्हें, सॉरी तो बोलो। अच्छा चलो ठीक है, नाराज़ हो जाओ अभी नाराज़ हो रही थी ना, वैसे नाराज़ हो जाओ, चलो ठीक है, गुस्सा करो गुस्सा करके बढ़ जाओ, उदम करो चलो। मुझे डरा रही हो हैं, ये लो आ जाओ, अच्छा आ जाओ, अच्छा नहीं ये लो, नहीं ये लो, नहीं 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 नहीं, बस आज के लिए इतना ही है, नहीं 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 दे रहा मैं, नहीं बस सॉरी तो बोलो, अच्छा सॉरी बोलो ये लो जाओ मज़े करो। हाँ भाई क्या हो गया तुम लोग को, हैं क्या चाहिए, इतना सारा तुम लोग को दाना डाला, सब कुछ किया तुम लोग, फिर आ गई हो तो शो करती हुई, जाओ पॉन्ड में जाके नहाओ, बहुत दिन हो गए तुम लोग नहाए नहीं हो, चलो इतने दिनों से तुम लोग नहाए नहीं हो, ऐसे फिर आ रहे हो। अब इनको भी दोस्तों हम थोड़ा सा ना ये ब्रेड डालते हैं, ताकि ब्रेड बड़े शौक से खाती हैं ये, आ जाओ चलो तुम भी आ जाओ, ये लो सीगल की तरह, हमारी सीगल नज़र नहीं आ रही, सीगल भी बड़े शौक से खाती है, ये लो बुलबुल, बुलबुल भी आ गई बुलबुल, ये लो हम तुम भी खाओ हम्टी, ये लो सीगल आई ये लो सीगल, ये लो गालिब साहब को भी देते हैं, गालिब साहब भी खाएंगे ये शौक से, ये लो गालिब साहब, वो खा रहा है गालिब, ये लो मोरनी भी हमारी आ गई नीचे, शहजादी ने ऊपर से खाना पहले बटोर लिया, उसने देखा नीचे खाना बट रहा है तो नीचे भी आ गई अब, ये लो चलो, ये लो बस ये आखिरी है खत्म। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग आज पूरे पॉन्ड की रिवील करेंगे कि उसकी कितनी मेजरमेंट होगी, कैसे बनेगा, तो अभी ताता आ गए, उनके साथ मिलके आपको दिखाते हैं कितनी मेजरमेंट बनेगी और कितना कैसे बनेगा ये। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये प्लान कर लिया है यहाँ पे कि हम यहाँ पे पॉन्ड बनाने वाले हैं, और ये हम 3 ईयर्स पॉन्ड प्लस फिश एक्वेरियम बनाएंगे, 3 ईयर्स में बनाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे हम बनाएंगे पॉन्ड, फर्स्ट फ्लोर पे हम फिश एक्वेरियम के लिए छत रखेंगे, और उसके ऊपर थर्ड फ्लोर डालेंगे जिसके अंदर हम आबशार वगैरह बनाएंगे, जो आबशारें वगैरह बह रही होंगी, इंशाल्लाह आपको व्यू देखने में बहुत मजा आएगा। अच्छा अपा आप मुझसे जो पूछ रहे थे कि इसकी मेजरमेंट क्या रखेंगे, तो हम इसकी मेजरमेंट भाई लेंथ और विड्थ के अंदर 6 फिट और 8 फिट रखेंगे पाउंड की, और उसके ऊपर जो फिश एक्वेरियम बनाएंगे वो 8 फिट लंबा होगा और 2 फिट का इसका डेप्थ होगा फिश एक्वेरियम का, और उसके ऊपर जो आबशार के लिए हम थर्ड रॉ में छत देंगे उसके लिए हम जो है 1.5 फिट की डेप्थ रखेंगे, और वो होगा 8 फिट का ही लेंथ में, 8 फिट का ही होगा। तो उसके लिए जो हमने प्लान किया है, तो हमने इसको 5 पिलर पे प्लान किया है, एक पिलर हमारा बिल्कुल स्टार्ट वहाँ से होगा, दूसरा सेंटर में आएगा, तीसरा हमारा एंड पे होगा, चौथा हमारा जो हमारा फिश एक्वेरियम की हम छत डालेंगे तो उसके लिए हमारा चौथा पिलर यहाँ पे निकलेगा, और सेंटर में हम कोई पिलर नहीं देंगे, हम फिर डायरेक्ट जो है यहाँ पे एक पिलर पांचवा देंगे, ये 5 पिलर के ऊपर हमारा फिश एक्वेरियम का छत डलेगी। अबान पूछे ना, ताता से पूछेंगे मतलब कि बीच में सेंटर में आप वो पिलर क्यों नहीं दे रहे,
बीच में पिलर नहीं दे रहे काका। अच्छा हाँ अबान, हम सेंटर में पिलर नहीं दे रहे ताकि हमारे कंपाउंड की जो मेजरमेंट है या जो उसका एरिया है वो हमारे जानवरों को परेशान ना करे, हमारे बर्ड्स को परेशान ना करे, तो हम सेंटर में पिलर नहीं दे रहे। उसकी जगह हम गार्डर का इस्तेमाल करेंगे, जो लेफ्ट राइट हमने दो पिलर आगे बढ़ा के लिए हैं हम उनके ऊपर गार्डर लगाएंगे। काका जो ये सारा काम होगा पौंड का ये हम लोग खुद ही करेंगे। हाँ बेटा, मैंने तो आपके बाबा से बात करी है कि, और दोस्तों मेरी उतनी शदीद ख्वाहिश ये है कि हम ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना मैक्सिमम लेवल पे खुद करें। तो हमने जो प्लान किया है दोस्तों कि वो सारा काम हम कंसील करेंगे, उसकी शटरिंग भी हम खुद करेंगे इंशाल्लाह ताला अबान। और तुमने मेरा साथ देना है, भागना नहीं है बीच में। हाँ कभी कभी तुम बिल्कुल गोल हो जाते हो, इस बड़ा काम हम छेड़ रहे हैं, इसमें तुमने पूरा पूरा साथ देना है, मेरा भी बाबा का भी। तो हम इसकी शटरिंग भी खुद करेंगे और इसको कंसील फिलिंग भी हम खुद करेंगे उसकी सारी। इट मीन्स ये है कि मैक्सिमम काम जो भी हो सकेगा हम अपने हाथ से फिनिश करेंगे। और कहते हैं जो भी जहाँ पे हम दोस्तों फंसेंगे ना, जो थोड़ा टेक्निकल काम होगा जो हमसे नहीं हो पा रहा होगा तो उसमें फिर हम लेबर हायर कर लेंगे। मुझे लगता है टाइलिंग हम नहीं कर सकेंगे सबा, टाइलिंग के लिए हमें हायर करना पड़ेगा किसी को। माइट भी कि हम टाइल ना कर सकें तो, लेकिन जो मैक्सिमम काम होगा ना वो हम खुद से करेंगे ताकि वो करने में जो मज़ा आएगा ना वो उसका मज़ा ही अलग होगा। तो दोस्तों ये जैसे कि टाटा ने आपको सब बता दिया, मेजरमेंट्स वगैरह सब बता दिया कि ये कैसा बनेगा, तो इसके अपडेट्स हम आपके साथ रोज़ के नए ब्लॉग में देखते रहेंगे। तो जब सब्सक्राइब करें ना आप तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको ऑल अपडेट्स मिल सकें कि हमारा नया ब्लॉग आ गया और देखें आप। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।